Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials. और आज हम क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक एडिटोरियल पढ़ेंगे कि कैसे जैसे हर साल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है एंड उसके क्या फिर इम्पैक्ट है और फिर उसको लेकर फ्यूचर में जो हमारे क्या गोल्स हैं, क्या उसको लेकर एग्रीमेंट हुए हैं, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कशन होगा। तो एक जेनरिक एक आर्टिकल है, आपकी हेल्प कर सकता है आपके आइडियाज़ फॉर्म करने में भी, और दूसरा हेल्प करेगा आपको कि अगर आपको कुछ पॉइंट्स चाहिए किसी पर्टिकुलर कहीं डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में तो उसके लिए भी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर IBPS PO 2023 इंटरव्यू, तो प्रैक्टिस मॉक ने लॉन्च किया है IBPS PO इंटरव्यू कोर्स, जिसमें आपको दो मॉक इंटरव्यूज मिलेंगे। पहला मॉक इंटरव्यू है PM एक्सपर्ट्स के साथ और जो सेकंड मॉक इंटरव्यू है वो है एक्स इंटरव्यू पैनल मेंबर ऑफ IBPS। तो आपको डिटेल फीडबैक मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये इंटरव्यू ऑफलाइन देना चाहते हैं तो फिर आप हमारा ऑफलाइन जो कोर्स है उसे परचेज कर सकते हैं, जिसमें आप दिल्ली NCR में आकर आप अपना जो इंटरव्यू है वो ऑफलाइन दे सकते हैं। ओके, एंड आप किसी भी लैंग्वेज में, हिंदी या इंग्लिश, आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। और इसमें कोर्स में इंटरव्यू के जो मॉक इंटरव्यू है उसके साथ साथ 20 से ज़्यादा डिटेल्ड सेशंस हैं, रिकॉर्डेड सेशंस हैं, लाइव सेशंस हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर सेशंस हैं एंड आपकी जो प्रोफाइल है वो उसका अभी डिस्कशन होगा। उस रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकते हैं, पॉसिबल क्वेश्चन हैं, प्रोबेबल क्वेश्चन हैं, उसका भी डिस्कशन होगा। एंड अगर आपके कोई भी डाउट्स आते हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, तो वो क्लियर करने के लिए पर्सनलाइज सेशंस होंगे टेलीग्राम पर। एंड ये कोर्स जो है इट इज़ अवेलेबल एट अ 20% डिस्काउंट इफ़ यू यूज़ द कूपन कोड interview20 एंड यू कैन गेट इट एट 2399। ओके, एंड वी हैव ऑल्सो लॉन्च PM प्रैक्टिस प्रो। इस कोर्स में PM बैंकिंग प्रो यानी जितने भी मेजर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स हैं उनके मॉक टेस्ट हैं और साथ में PM बैंकिंग PDF कोर्स है। तो 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चन हैं, 5,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट हैं। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं नेक्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स यानी इस ईयर के एग्ज़ाम्स जो हैं 2024 के, उन्हें आप टारगेट कर रहे हैं तो फिर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मल्टीपल एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं बैंक एंड इंश्योरेंस के लिए, तो आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस चाहिए होंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस चाहिए होंगे डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल के, तो वो आपकी प्रैक्टिस में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, एंड जो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस हैं हर एक क्वेश्चन के एंड आप अपनी परफॉर्मेंस जो है वो एनालाइज कर सकते हैं, अपने पीयर्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो ये कोर्स जो है वो अवेलेबल है 999 पे। अगर आप PM20 कूपन कोड यूज़ करते हैं यू विल गेट अ 20% डिस्काउंट। ओके, तो लेट्स बिगिन द हॉटेस्ट ईयर। ओके, तो हर साल हम सुनते आ रहे हैं एक तरह से कि रिफ्रेन हो गया। रिफ्रेन क्या था कि जो चीज़ बार बार रिपीट होती है, ठीक है, बार बार कही जाती है, तो इट इज़ बिकम अ रिफ्रेन। हम हर साल सुनते हैं कि ये साल जो था हॉटेस्ट ईयर था रिकॉर्ड में। ओके, तो अब इस साल भी ऐसा ही कुछ है, तो क्या इसके क्या सिग्निफिकेंस है, क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, क्या थोड़े चैलेंजेस हैं और क्या किया जाना चाहिए, ये सब चीज़ें इसमें मेंशन है। ठीक है, तो कभी भी जब हम कोई कभी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में लिखते हैं कोई भी जैसे ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ प्रॉब्लम से डिस्कस करें, अनलेस अगर सब्जेक्ट या आपको टॉपिक ही दिया गया है कि जो प्रॉब्लम्स हम फेस करें तो फिर आपका फोकस प्रॉब्लम पे होगा। लेकिन अगर एक जेनरिक टॉपिक दिया है, जेनरिक सब्जेक्ट दिया है, तो आपको एक पॉजिटिव आउटलुक रखना चाहिए और एंड में आपको वे फॉरवर्ड भी कुछ देना चाहिए क्या कि फ्यूचर में क्या किया जा सकता है एक दो लाइन के अंदर ही। तो यहाँ से हमें कुछ पॉइंटर्स भी उसके लिए मिल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, सेशन को पॉज करके पूरा पैसेज रीड करना है क्विकली, पैसेज के एंड में एक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है, फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ठीक है, तो द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल था, आपने पढ़ लिया है। अब हमें क्या करना है, इनक्लिमेंट एक वर्ड यूज हुआ है पैसेज में, उसका ऑपोजिट मीनिंग करने वाला वर्ड हमें ढूंढना है। तुम्हारे पास है एंथ्रोपोजेनिक, अब्लेज, बामी, एनजेंडर एंड स्टेडफास्ट। ये 5 वर्ड्स हैं, आप अपना से मार्क कर लीजिए, इसको हम डिस्कस करेंगे पैसेज के बाद। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं।
एट COP21 इन पेरिस 8 years ago, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जैसे हमने देखा भी था कि हर साल जैसे एक इवेंट हो, एक जो इंटरनेशनल इवेंट होता है वो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हम कहते हैं, जिसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो एग्रीमेंट है उसके उसके ऊपर उसको लेकर डिस्कशन होता है. तो एक लैंडमार्क एग्रीमेंट था, लैंडमार्क होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, जिसने मिसाल कायम की हो, तो वो पेरिस एग्रीमेंट था. तो COP21 जब हुआ था पेरिस में 8 साल पहले, कंट्रीज एग्रीड टू होल्ड ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज टू वेल बिलो 2 degrees Celsius. तो तब क्या हुआ था, सब कंट्रीज ने मिलकर माना था कि हमें होल्ड करना है. होल्ड करने का मतलब डिफरेंट मीनिंग होते हैं. एक होता है कि आई एम होल्डिंग दिस पेन, ठीक है, और क्या होता है होल्ड कि जैसे किसी को रोकना किसी चीज़ पे, किसी लेवल पे. तो जैसे टू होल्ड ग्लोबल टेम्परेचर्स इंक्रीज मतलब कि जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहे हैं तो उनको बढ़ने से रोकना. ओके, तो होल्ड और होल्ड आप किसी मीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, टू होल्ड अ मीटिंग, ठीक है, टू होल्ड अ डिस्कशन, तो वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर है टू होल्ड ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज टू वेल बिलो 2 degrees Celsius. वेल बिलो मतलब काफ़ी कम, उससे जितना हो सके, 2 degrees Celsius अबव प्री इंडस्ट्रियल एफर्ट्स एंड स्ट्राइव टू लिमिटेड टू 1.5 degrees Celsius अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स. तो अब ये था कि कोशिश करनी है 2 degrees Celsius कम हो प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, ठीक है, और ये और ज़्यादा एफर्ट करने. स्ट्राइव क्या होता है, एफर्ट्स करना, मेहनत करना, कोशिश करना कुछ अचीव करने की. तो कोशिश ये करनी है कि दो से नीचे हो, लेकिन कोशिश हमें अचीव करने की 1.5 degrees Celsius से जो है ऊपर ना हो. कब से, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले जो ग्लोबल टेम्परेचर था उसके कंपैरिजन में अब जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसमें वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. और ये एग्री हुआ था, कब किया गया था, 2000 जो COP21 था पेरिस में 8 साल पहले. ओके, सो द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आफ्टर द पेरिस पैक्ट लेड टू एन अनरिटन कॉनकॉर्ड. तो अब उसके बाद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी कि बार बार जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट है, हर साल हमें सुनने को मिलता है कि कोई बहुत बड़ा साइक्लोन या हरिकेन आता है, ठीक है, फिर फ्लडिंग होती है या फिर सूखा पड़ जाता है. तो ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो है वो ज़्यादा फ्रिक्वेंट हो गए हैं, बार बार हो रहे हैं, और ये ज़्यादा फ्रिक्वेंटली होने लगे हैं. तो इससे क्या हो रहा है कि वेदर इवेंट्स आफ्टर द पेरिस पैक्ट. तो जब ये पेरिस एग्रीमेंट हो गया था, पैक्ट क्या होता है, एक एग्रीमेंट, तो जब पेरिस एग्रीमेंट हो गया था उसके बाद ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और बढ़ने लगी. तो इससे क्या हुआ, लेड टू एन अनरिटन कॉनकॉर्ड कि ऐसा कोई जो था कि कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था फॉर्मल, लेकिन अनरिटन एक एग्रीमेंट हो गया था कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तो तक हमें लिमिट करना ही होगा, ठीक है. तो ये कॉनकॉर्ड क्या होता है, अ स्टेट ऑफ एग्रीमेंट, जहाँ पर एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर सब लोग आपस में एग्री करते हैं, सहमत होते हैं, ठीक है. तो सहमति बन गई कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लिमिट करना है ताकि क्लाइमेट चेंज से हम बच सकें, एज अ डिफेंस अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज. अब यहाँ पर अगेंस्ट क्यों यूज़ हुआ है कि अगर एज डिफेंस अगेंस्ट समवन मतलब किसी का सामना करना, किसी से डील करना, सिचुएशन को फेस करना, तो उसके लिए हम डिफेंस अगेंस्ट यूज़ करते हैं. जैसे कि अगर हम कहें कि वी आर डेवलपिंग एन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम एज अ डिफेंस अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल्स, तो वहाँ पर क्या होगा, बैलिस्टिक मिसाइल से बचने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है. तो डिफेंस अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज मतलब क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट है उससे बचने के लिए, ठीक है. तो ये प्रपोजिशन हम यूज़ करते हैं. ओके, सो इन 2023 द वर्ल्ड केम पेरिलसली क्लोज टू दिस थ्रेशहोल्ड. अब क्या हुआ, ये हमने बैकग्राउंड देखा. तो 2023 में जो था वर्ल्ड केम, ठीक है, वर्ब है द वर्ल्ड केम पेरिलसली क्लोज. क्लोज क्या है, एडवर्ब, ठीक है, इट केम क्लोज. तो ये क्या है, पेरिलसली, इट इज ऑल्सो एन एडवर्ब, पेरिलसली क्लोज मतलब कितना क्लोज, बहुत ज़्यादा क्लोज, बहुत ज़्यादा. तो पेरिलस होता है डेंजरस, पेरिलसली मतलब डेंजरसली क्लोज आ गए थे इस थ्रेशहोल्ड के. थ्रेशहोल्ड होता है एक लेवल. वैसे तो जैसे आप किसी रूम में एंटर करते हैं, किसी बिल्डिंग में एंटर करते हैं, तो थ्रेशहोल्ड होता है जो डोर होता है या मेन एंट्रेंस होता है जहाँ से आप एंटर करते हो, तो वो थ्रेशहोल्ड कहा जाता है, ठीक है. थ्रेशहोल्ड एक लेवल भी होता है. अगर हम यहाँ पर 1.5 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं तो ये थ्रेशहोल्ड है, एक लेवल है. एक जैसे अगर टेम्परेचर की बात करें, ग्लोबल टेम्परेचर की, तो एक पर्टिकुलर लेवल की बात हो रही है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए टेम्परेचर. तो 2023 में इस थ्रेशहोल्ड यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस के लेवल के बहुत ज़्यादा क्लोज आ गया था वर्ल्ड. ओके, सो ऑन एवरेज टिल नवंबर ग्लोबल टेम्परेचर रोज बाय 1.46 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स. तो
नवंबर तक का जो डेटा है हमारे पास, तो जो वर्ल्ड था वो 1.46 डिग्री सेल्सियस पे ऑलरेडी पहुंच गया था, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1.46 डिग्रीज ऊपर, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 डिग्रीज तक पहुंच गया. ओके, एवरी मंथ सिंस जून वॉज द हॉटेस्ट सच मंथ ऑन रिकॉर्ड, एंड इन नवंबर टू डेज वर इवन वार्मर दैन 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स. तो अब हम देखें, जून जो था वो हॉटेस्ट मंथ था रिकॉर्ड में अभी तक का, जून 2023, और नवंबर में दो दिन थे जिन दिन क्या था कि प्री इंडस्ट्रियल लेवल से दो डिग्री सेल्सियस ज़्यादा था टेम्परेचर. ठीक है, तो ये जो है ये इंडिकेट करता है कि कितनी सीरियस है सिचुएशन. ओके, द वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO प्रोविजनल स्टेट ऑफ द ग्लोबल एस्टिमेट ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट कन्फर्म्स दैट 2023 इज द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड. तो यहाँ पर WMO ने क्या कहा, प्रोविजनल होता है जो अभी एस्टिमेटेड है, ठीक है, कि जिसको फॉरकास्ट किया गया, एस्टिमेट किया गया, तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश किया और उन्होंने कन्फर्म किया कि 2023 जो था वो अभी तक का सबसे गर्म साल रहा. WMO has forecast that the planet will get hotter in 2024. ये साल और ज़्यादा गर्म होगा. तो यहाँ पर आप ये नोटिस करो, यहाँ पर फोरकास्ट लिखा है, फोरकास्टेड क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फोरकास्ट की तीनों फॉर्म फोरकास्ट ही होती हैं. ठीक है, फोरकास्ट फोरकास्ट एंड फोरकास्ट. ठीक है, ऐसे ही ब्रॉडकास्ट की भी ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट होती है, तो हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म ही है, थर्ड फॉर्म वर्ब ही है. ठीक है, सो द WMO हैज़ फॉरकास्ट द प्लान दैट द प्लैनेट विल गेट हॉटर इन 2024. The warming El Nino event, which emerged during the northern hemisphere spring of 2023 and developed rapidly during summer, is likely to further fuel the heat in 2024. अब यहाँ पर एक El Nino event था, हमने इसके बारे में भी पढ़ा था, जिसमें Pacific Ocean जो है वो normal से ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसका जो surface temperature है. ठीक है, तो ये event जब हुई, emerge मतलब सामने आई, कब आई थी, northern hemisphere spring of 2023. तो 2023 में स्प्रिंग के टाइम पे जो था ये इवेंट हुआ, और ये फिर तेज़ी से फिर वो डेवलप हुआ, बढ़ा. एल नीनो इज़ लाइकली, अब यहाँ पर आप ये देखो, इस जो वर्ब है वो उसका सब्जेक्ट कौन है, क्या यहाँ पर समर है, ठीक है, 2023 है, एल नीनो इवेंट है, क्या है, तो यहाँ पर इसका सब्जेक्ट है एल नीनो इवेंट. आप देखो, द वार्मिंग एल नीनो इवेंट. अब यहाँ पर विच रिलेटिव प्रोनाउन तो इस इवेंट के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है, और फिर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इसके बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये रिलेटिव क्लॉज है, ठीक है, जो इसके बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन यहाँ सेंटेंस फिर कंटिन्यू होता है, तो द वार्मिंग एल नीनो इवेंट इज लाइकली टू फर्दर फ्यूल द हीट, तो यहाँ पर आगे वो कंटिन्यू हो रहा है, तो ये वर्ब है और ये सब्जेक्ट है जिसके साथ ही एग्री कर रही है. ठीक है, तो इवेंट सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी सिंगुलर वर्ब है, इज लाइकली टू फर्दर फ्यूल द हीट. फर्दर फ्यूल द हीट, फ्यूल जो है एक नाउन की तरह भी यूज़ करते हैं हम, एक वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं, तो फ्यूल करना किसी चीज़ को, यानी कि उसको बढ़ाना और ज़्यादा, तो फर्दर फ्यूल द हीट मतलब कि गर्मी को और ज़्यादा बढ़ाएगा एल नीनो 2024 में. क्यों, ऐसा क्या कारण है, बिकॉज एल नीनो टिपिकली हैज़ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल टेम्परेचर्स आफ्टर इट पीक्स. मतलब एल नीनो इवेंट जब अपने हाईएस्ट जो स्ट्रेंथ पे होता है, हाईएस्ट लेवल पे होता है, उसके बाद फिर वो कम होने लगता है, तब उसका इम्पैक्ट जो है सबसे ज़्यादा होता है ग्लोबल टेम्परेचर्स पे. तो अभी उसका जो इम्पैक्ट था, जो लास्ट ईयर एल नीनो इवेंट था, उसका इम्पैक्ट अभी दिखेगा हमें. ठीक है, पीक्स मतलब यहाँ पर इट पीक्स, तो ये वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, टू पीक मतलब अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुँच जाना. ठीक है, ओके, सो द ज्यूरी इज़ आउट ऑन वेदर क्लाइमेट चेंज हैज़ रीच्ड अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. तो अब ये जो फ्रेज़ है, द ज्यूरी इज़ आउट, मतलब कि ज्यूरी बाहर नहीं है, ज्यूरी इज़ आउट का मतलब है कि अभी ये डिसाइड नहीं हुआ है, इस पर कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि क्या हम उस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गए हैं, यानी कि इस लेवल पे पहुंच गए कि हम चाहे कितने भी एफर्ट कर लें कि ग्लोबल जो ग्लोबल वार्मिंग हम उसे रोक नहीं सकते, तो इसको लेकर अभी कोई भी एग्रीमेंट नहीं है. ठीक है, बट वॉट इज़ क्लियर इज़ दैट द नेक्स्ट 7 years विल बी पिविटल इन रिड्यूसिंग एमिशंस. तो ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन तो यहाँ पर क्या है, क्या उससे कंट्रास्टिंग चीज़ क्या, ये हमें नहीं पता. ठीक है, लेकिन क्या पता है, व्हाट इज़ क्लियर इज़ दैट द नेक्स्ट 7 years विल बी पिविटल. जो अगले 7 साल होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. पिविट होता है किसी भी चीज़ का एक सेंट्रल जो
हम कह सकते हैं किसी भी चीज कोई भी अगर एक सिस्टम वर्क कर रहा है तो उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे सेंट्रल जो चीज़ होती है वो। अब पिवटल मतलब कि उसी से ही हमने एडजेक्टिव बनाया। पिवट क्या होता है, ये एक वर्ब की तरह भी यूज़ होता है, एक नाउन की तरह भी यूज़ होता है, और यहीं से ही हमने पिवटल एक एडजेक्टिव बनाया। ठीक है, तो ये जो अगले 7 साल है पिवटल होंगे, यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट होंगे कार्बन एमिशंस को कम करने में। ऑन द पॉजिटिव साइड, अब हमने एक नेगेटिव सिनेरियोस भी हमने डिस्कस किया, तो पॉजिटिव क्या चीज़ है यहाँ पर कि द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी प्रेडिक्ट्स दैट मोर देन 35% ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड फ्रॉम रिन्यूएबल्स इन 2023। तो एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोपोर्शन है हमारी एनर्जी में वो बढ़ रहा है और 35% होगा 2025 में। ठीक है, द बिगेस्ट चैलेंज हाउएवर इज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द सन इज इन शाइनिंग। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट हमने देखी, ठीक है, लेकिन अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में एक चैलेंज मेंशन किया, तो इसलिए हमने ये कंट्रास्टिंग जो हमने वर्ड यूज़ किया वो है हाउएवर। तो द बिगेस्ट चैलेंज हाउएवर इज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी व्हेन द सन इज इन शाइनिंग, जब सन नहीं है अवेलेबल, क्योंकि सोलर एनर्जी तब नहीं बनेगी जब क्लाउड हो या फिर जो रात का टाइम है। ठीक है, तो उस वक्त कैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी बना सकते हैं, ये हमारे लिए चैलेंज है। या और विंड इज़ नॉट ब्लोइंग, या फिर जब हवा नहीं चल रही है, तो ये चैलेंजेस अभी भी हैं। एक्सपर्ट्स एग्री ऑन द नीड फॉर टेक्नोलॉजीज दैट कैन कॉस्ट ऑप्टिमली स्टोर आरी एनीवेयर फ्रॉम हाफ अ डे टू अ वीक इवन मंथ्स। तो अब एक्सपर्ट्स क्या मान रहे हैं कि एक ज़रूरत है, कैसी टेक्नोलॉजीज़ की ज़रूरत है दैट कैन कॉस्ट ऑप्टिमली स्टोर। अब कैन है, मॉडल वर्ब है, तो स्टोर फर्स्ट फॉर्म वर्ब हम यूज़ करेंगे उसके आगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉस्ट ऑप्टिमली ये क्या है, ठीक है, ये एडवर्ब ही है, ये एक हम कैसे कंपाउंड एडवर्ब है, यहाँ पर कॉस्ट के साथ हमने एक एडवर्ब को मिलाकर एक एडवर्ब क्रिएट किया है। ठीक है, तो ये किस तरीके से स्टोर करेगा, कॉस्ट ऑप्टिमली स्टोर करेगा, यानी कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी स्टोर हो सके। ठीक है, तो ऐसे सॉल्यूशन की ज़रूरत है। टू स्टोर आर ई रीन्यूएबल एनर्जी एनीवेयर फ्रॉम हाफ अ डे टू अ वीक, हमें ऐसे स्टोरिंग ऑप्शन चाहिए जो अलग अलग टाइम के लिए एनर्जी को स्टोर करके रखें, रिन्यूएबल एनर्जी को। एट दी COP21 इन ग्लासगो 2 years अगो, कंट्रीज एग्रीड टू सेट अप अ लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज काउंसिल टू फैसिलिटेट द कमर्शलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, मैनी ऑफ देम आर एट द पायलट स्टेज दैट कैन स्टॉक अप आर ई। तो 2021 जो COP21 हुआ था ग्लासगो में, तो वहाँ पर ये एग्रीमेंट हुआ था कि ये LDES लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज काउंसिल बनाया जाएगा टू फैसिलिटेट, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब है फैसिलिटेट। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एक होता है फैसिलिटेट, एक होता है फेलिसिटेट, और बहुत लोग जो है इनको इंटरचेंजेबली यूज कर देते हैं, वो फैसिलिटेट यूज ही नहीं करते, वो हर जगह फैसिलिटेट यूज कर देते हैं, जबकि फैसिलिटेट का मतलब होता है किसी काम को होने में मदद करना। तो यहाँ पे फैसिलिटेट द कमर्शलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, यानी कि टेक्नोलॉजीज से जो है अर्न, जो टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके पैसा कमाया जा सके, ठीक है, वो भी एक बिजनेस बने, तो उसमें हेल्प करेंगे, तो यहाँ पर फैसिलिटेट यूज़ होगा। लेकिन जब आपको कोई अवार्ड मिलता है, ठीक है, आपकी अप्रिसिएशन होती है, तो वहाँ पर कौन सा वर्ड आप यूज़ करोगे, फेलिसिटेट, यानी कि किसी को सम्मान दिया गया, ही वॉज फेलिसिटेटेड, ओके। तो दोनों में फ़र्क है, तो इनका ध्यान रखना है आपको, फैसिलिटेट एंड फेलिसिटेट आर डिफरेंट। तो टू फैसिलिटेट द कमर्शलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज, अब यहाँ पर ये जो टेक्नोलॉजीज है कैसी है, ज़्यादा काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज अभी पायलट स्टेज पर, यानी अभी इनिशियल स्टेज पर रही हैं, टेस्टिंग हो रही है उनकी, तो दैट कैन स्टॉक अप आ रही। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज को जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को स्टोर कर सके, उनको कमर्शलाइज करने की कोशिश की जा रही है, ओके। हाउएवर, लेकिन अ मार्केट फॉर सच सॉल्यूशंस इज स्टिल इन द वर्क्स, लेकिन अभी भी इनका एक मार्केट नहीं बना। ऐसे सॉल्यूशंस तो डेवलप किए जा रहे हैं, ऐसे स्टोरेज फैसिलिटीज तो बनाई जा रही है, लेकिन अभी उनकी मार्केट नहीं है, वो अभी क्या है, इट इज़ स्टिल इन द वर्क्स। तो यहाँ पर इन द वर्क्स मतलब अभी उन पर काम चल रहा है, अभी वो मार्केट्स जो है वो बन रही हैं, अभी अवेलेबल नहीं है। आप यहाँ देखो, वर्क्स जो है ये बिल्कुल ठीक है, वर्क्स इन द वर्क्स, क्योंकि आप कई बार क्या होता है, हमारी टेंडेंसी होती है इन द वर्क्स क्या है, तो गलत है, इन द वर्क होना चाहिए। जो जैसे आपने जैसे ABC आयरन वर्क्स, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपने इस तरह के नाम देखे होंगे कंपनीज के, तो ये वर्क्स का मतलब होता है इंडस्ट्री, ठीक है,
दिस वर्क, दिस आयरन वर्क्स. तो वो वर्क्स है यहाँ पर, इन द वर्क्स वहाँ से ही फ्रेज आए, यानी कि अभी उस पर काम चल रहा है, अभी उस पर प्रोसेसिंग चल रही है, वर्क चल रहा है, अभी फाइनल नहीं है. इट इज़ स्टिल इन द वर्क्स, मतलब अभी भी वो फाइनल नहीं है. एंड मोस्ट LDS सॉल्यूशंस आर नॉट कॉस्ट कम्पेटिटिव येट. और दूसरा, अभी तक जो ये जो LDS सॉल्यूशंस बने, ये कॉस्ट कम्पेटिटिव नहीं है, यानी कि उनमें खर्चा काफ़ी होता है एनर्जी को स्टोर करने में. ठीक है, तो ये हाँ, यहाँ तक ये मेंशन किया गया है. साइंटिस्ट्स एग्री दैट दैट अलॉन्ग विद रिड्यूसिंग GHG एमिशंस, द इम्पेरेटिव फॉर पॉलिसी मेकर्स शुड बी टू बिल्ड पीपल्स रेजिलियंस अगेंस्ट इंक्लेमेंट वेदर. तो साइंटिस्ट एक और चीज़ पर एग्री कर रहे हैं, सहमत हैं कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के साथ साथ, अलॉन्ग विद मतलब इनके साथ साथ, द इम्पेरेटिव फॉर पॉलिसी मेकर्स शुड बी टू बिल्ड पीपल्स रेजिलियंस अगेंस्ट इंक्लीमेंट वेदर. इम्पेरेटिव होता है यानी कि बहुत जो ज़रूरी है, बहुत एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, एक्सट्रीमली क्रिटिकल. क्या है इम्पेरेटिव फॉर पॉलिसी मेकर्स, उनके लिए है, शुड बी टू बिल्ड पीपल्स रेजिलियंस अगेंस्ट दिस. रेजिलियंस यानी कि आप जो है डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाउंस बैक करते हो, उनको उसको फेस कर सकते हो, वो रेजिलियंस होती है. एंड रेजिलियंस किसी के अगेंस्ट है, यानी कि किस चीज़ के सामने आप रेजिलिएंट हो, किस चीज़ का आप सामना कर सकते हो. अगेंस्ट इंक्लीमेंट वेदर. कैसा वेदर? इंक्लीमेंट होता है जो ख़राब मौसम होता है, ख़राब वेदर की हम बात करते हैं. और यूजुअली जो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही होती हैं, स्टॉर्म्स होते हैं, उसके लिए हम इंक्लीमेंट वर्ड यूज़ करते हैं. ठीक है, एक होता है क्लेमेंट. ठीक है, क्लेमेंट मतलब बहुत शांत, बहुत अच्छा जो वेदर है. एक होता है इंक्लीमेंट, ये इसका ठीक ऑपोजिट है. इंक्लीमेंट का मतलब होता है कि जो बिल्कुल भी जो बहुत ख़राब मौसम होता है. ठीक है, ओके. तो ये क्लेमेंट एंड इंक्लीमेंट आपको ध्यान रखना है. तो इंक्लीमेंट मतलब बहुत ख़राब मौसम, जो ये वेदर है जैसे ग्लोबल वार्मिंग के साथ बदल रहा है, तो उसको उसका वो सामना कर सकें. तो सच मेजर्स, मेजर क्या होता है? अब मेजर को हम वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं, कुछ कोई चीज़ नापना. ठीक है, और मेजर जो है एक स्टेप भी होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए. तो सच मेजर्स, सच के साथ आप आगे नाउन यूज़ करोगे. ठीक है, तो सच मेजर्स कुड इंक्लूड. ठीक है, अब यहाँ पर मॉडल वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब हमने यूज़ किया. कुड इंक्लूड बिल्डिंग सी वॉल्स. अब इसमें क्या क्या हो सकता है? इसमें सी वॉल्स बनाना, ये हो सकता है. ठीक है, कैसे बढ़ाई जाएगी रेजिलियंस की? सी वॉल्स बनाई जाए. जो है इम्प्रूविंग वेदर अलर्ट सिस्टम्स की, कोई स्टॉर्म आए या कोई और जो है एक्सट्रीम वेदर कोई इवेंट होती है, तो उसके लिए एक ऐसे सिस्टम्स बनाए जाए जो कि अलर्ट कर दे पहले ही. ओवरऑलिंग अर्बन ड्रेनेज सिस्टम. ओवरऑल करना होता है किसी में बहुत बड़े बड़े बदलाव करना या रिपेयर्स करना. ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ओवरऑलिंग द सिस्टम, सिस्टम में ही बहुत बदलाव करना. तो यहाँ पर अर्बन ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जो पानी, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो तो पानी जो है वो तेज़ी से निकल जाए, फ्लडिंग ना हो, तो उसके लिए जो अर्बन ड्रेनेज सिस्टम है उन्हें रिपेयर करना होगा. ठीक है, इंस्टॉलिंग इरीगेशन सिस्टम्स टू कॉम्बैट वाटर स्कैर्सिटी कमी. ठीक है, और मेकिंग क्रॉप चॉइसेस सूटेड टू द चेंज क्लाइमेट. तो यहाँ पर एक कि इरीगेशन सिस्टम इस तरीके से बनाने कि वाटर स्कैर्सिटी को जो है वो हैंडल कर पाए, टैकल कर पाए. और दूसरा, क्रॉप्स ऐसी चूज़ करनी है जो उस जगह के क्लाइमेट के साथ जो है वो ठीक हो. अगर ड्राई एरियाज है तो वहाँ पे हमें वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स नहीं ग्रो करनी. फॉर एग्जांपल, एज द प्लैनेट गेट्स हॉटर द चैलेंज विल बी टू एड्रेस वल्नरेबिलिटीज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन पीपल्स डेवलपमेंटल नीड्स. तो यहाँ पर जैसे जैसे प्लैनेट जो है वो गर्म होता जाता है, हॉटर गेट्स हॉटर, द चैलेंज विल बी टू एड्रेस वल्नरेबिलिटीज. क्या होते हैं कि रिस्क या किस चीज़ जो है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें नुकसान हो सकता है, सबसे ज़्यादा रिस्क है, तो उनको एड्रेस करना, उनको टैकल करना. ठीक है, उनका सामना करना. तो विल बी टू एड्रेस वल्नरेबिलिटीज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन पीपल्स डेवलपमेंटल नीड. ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है करना कि हम ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड से जो है एमिशंस से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस ही बंद कर देंगे. ठीक है, तो इससे क्या होगा, बहुत सारे चैलेंजेस और आ सकते हैं. लोग इकोनॉमिक पे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, लोगों की लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट पड़ सकता है. तो चैलेंज यही है कि लोगों के डेवलपमेंटल नीड्स पे भी इम्पैक्ट ना हो और हम क्लाइमेट चेंज के चैलेंजेस को भी टैकल कर पाएँ. ठीक है, तो यहाँ पर अब आप यहाँ देखो कि विल बी टू एड्रेस वल्नरेबिलिटीज विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग. विदाउट जो है हमारा प्रपोजिशन यहाँ पर कॉम्प्रोमाइजिंग क्या है, जेनरेट. ओके, जेनरेट. तो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन पीपल्स डेवलपमेंटल नीड्स एंड लिफ्टिंग. तो यहाँ पर
वी वन प्लस आई एन जी है, ठीक है, एंड है, तो फिर यहाँ पर भी वी वन प्लस आई एन जी ही आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पैरल हम पैरलिज्म फॉलो करते हैं, तो यहाँ पर वी वन प्लस आई एन जी है ऑन पीपल्स डेवलपमेंटल नीड्स एंड लिफ्टिंग लार्ज सेक्शंस आउट ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। तो क्या होगा, एग्जाम में लिफ्टिंग की जगह लिफ्ट लिखा होगा, तो वो आपको करेक्ट करना होगा, लार्ज सेक्शंस आउट ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नीड्स का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है? तो डेवलपमेंटल नीड्स, नीड्स एक यहाँ पर नाउन है, ज़रूरतें, ठीक है, नीड्स, तो इट्स अ नाउन, ठीक है। तो ये हमने द इंडियन एक्सप्रेस का ये एडिटोरियल देखा, हमने देखा कि क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या वे फॉरवर्ड है, ये सब चीज़ें हमने कवर की है, और कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स भी हमने देखे। तो हमने एक वर्ड देखा था इंक्लेमेंट, यानी कि जो बहुत ज़्यादा स्टॉमी या बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो क्लेमेंट का ऑपोजिट, इंक्लेमेंट का ऑपोजिट क्लेमेंट होता है, लेकिन यहाँ पर क्लेमेंट तो नहीं दिया हुआ, तो और कौन सा वर्ड हो सकता है, एंथ्रोपोजेनिक, एब्लेज, बामी, एनजेंडर, स्टेडफास्ट। तो इसका आंसर होगा बामी। बामी मतलब कि जो बहुत प्लेजेंट वेदर होता है, बहुत अच्छा वेदर, ना गर्मी है बहुत ज़्यादा, ना बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है, धूप है, तो इस टाइप के वेदर को हम बामी कहते हैं, जो ऑपोजिट हो जाएगा वो इंक्लेमेंट का, तो सी आंसर होगा। एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है, आपको पता है एंथ्रोपो, तो यहाँ पर एंथ्रो जो ह्यूमंस रिलेटेड, तो एंथ्रोपोजेनिक यानी कि ह्यूमंस ने जो क्रिएट किए हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है, तो ये भी नहीं। अब्लेज, अब्लेज होता है कोई चीज़ जिसमें आग लगी हो, ब्लेज क्या होता है, फायर, अब्लेज मतलब समथिंग विच इज़ ऑन फायर, ठीक है, तो ये भी नहीं है। एंजेंडर होता है, एंडेंजर नहीं है, एंडेंजर अलग होता है, ठीक है, एंडेंजर मतलब किसी चीज़ को रिस्क में डालना, ठीक है, एंड एंजेंडर मतलब कॉज, टू कॉज समथिंग, किसी चीज़ को जो है टू कॉज समथिंग टू हैपन, तो यहाँ पर एंजेंडर भी इसका जो है ऑपोजिट मीनिंग नहीं है। एंड स्टेडफास्ट होता है, आप जो रास्ता फॉलो करो उस पर उसको फॉलो करते रहो, उससे हिलो नहीं, तो स्टेडफास्ट मीन्स फॉर्म, तो ये भी इसका आंसर नहीं है, सी इसका आंसर होगा, ओके। तो जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेज हैं वो यहाँ पर मैंशनड है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एंड जो दिसंबर की वोकैबुलरी है वो जल्द ही वेबसाइट पर अवेलेबल होगी, तो आप वहाँ से भी रिवाइज कर सकते हैं। सो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, इट विल हेल्प अस नो वेदर इट इज दिस सीरीज इज हेल्पिंग यू आर नॉट। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।